लैपटॉप की स्क्रीन को रिकॉर्ड करने के लिए हमें एक सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ती है जो हमारी स्क्रीन को रिकॉर्ड करता है। जैसे कि मैं आप जो वीडियो देख रहे हैं वो मैं स्क्रीन रिकॉर्डर सॉफ्टवेयर के थ्रू स्क्रीन को रिकॉर्ड करके ही इसको बना रहा हूँ, उसके बाद मैं इसको यूट्यूब पर पोस्ट करता हूँ। तो सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले आप अपने ब्राउज़र में आइए, ब्राउज़र को ओपन करिए और इसके URL में टाइप कीजिए icecreamapps.com। दोस्तों, इस वेबसाइट का लिंक मैं आपको अपने चैनल के अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से जाकर डायरेक्ट इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो जब आप इस साइट को खोलेंगे तो ये इंटरफेस खुल के आएगा। देखिए, इसमें बहुत सारे ऐप्स पड़े हुए हैं। तो आपको करना क्या है, आपको ये जो स्क्रीन रिकॉर्डर वाला एप्लीकेशन है इसको डाउनलोड करना है। देखिए, ये विंडोज़ के लिए भी कम्फर्टेबल है और iOS के लिए भी कम्फर्टेबल है। तो हम इस पर क्लिक करके इसको डाउनलोड कर लेते हैं। इस पर क्लिक करेंगे, देखिए अब ये वाला इंटरफेस खुल के आया है। देखिए, ये जो है फ्री में भी काम करता है और ये पेड वर्जन भी है। तो जब आप इसको फ्री वर्जन डाउनलोड करेंगे तो इसमें कुछ लिमिटेशंस हैं। आप यहाँ पे जाके अपडेट टू प्रो पे जाके आप इसको जो फुल वर्जन है वो डाउनलोड कर सकते हैं। उसके लिए आपको पे करना पड़ेगा, लेकिन हम आपको फ्री वाला वर्जन यूज करके बता रहे हैं। फ्री वाले वर्जन में सारी फैसिलिटी हैं, बस फ़र्क इतना है कि इससे आप एक बार में सिर्फ 10 मिनट ही रिकॉर्ड कर सकते हैं, इससे ज़्यादा आप रिकॉर्ड नहीं कर सकते। तो मैं आपको फ्री वर्जन डाउनलोड करने के लिए आपको इस पर क्लिक करना है। आप यहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हैं और आप इसको नीचे जाके पहले इसकी प्रॉपर्टी पढ़ सकते हैं कि इसके देखिए इसका वीडियो प्रेजेंटेशन कैसा है। इसके नीचे आइए तो ये देखिए स्क्रीन रिकॉर्डर फीचर्स क्या क्या हैं, इनके बारे में आप जान सकते हैं। ये देखिए वाटरमार्क आएगा या नहीं आएगा, ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। और ये आप देखिए, ये इसका सारा फीचर लिखा हुआ है। और सबसे अच्छी बात इसमें यह है कि ये विंडो 10 को भी सपोर्ट करता है। तो आप इसको किसी भी विंडोज़ के लिए, कोई विंडोज आपको ऑपरेटिंग सिस्टम हो आपका, उसके लिए आप इसको यूज कर सकते हैं। तो ये हमारा स्क्रीन रिकॉर्डर है, इसकी हम कितनी भी स्क्रीन को छोटा या बड़ा कर सकते हैं। तो ये स्क्रीन को जितना हम चाहें, जिस पार्ट को चाहें उसको रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो करना क्या है, आपको इस पर डाउनलोड के बटन पर क्लिक करना है और ये डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा। ये देखिए, ये हमारा इसका डाउनलोडिंग, ये देख रहे हैं आप, ये अपने आप ही डाउनलोडिंग शुरू हो जाएगा। और अगर ये डाउनलोडिंग शुरू नहीं होता है तो आप इसको, ये देखिए डाउनलोडिंग इन प्रोसेस, मैं इसको डाउनलोड नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मैंने इसको पहले से डाउनलोड कर रखा है। तो मैं इसको कट कर देता हूँ। अगर आपका डाउनलोड शुरू नहीं होता है तो आप इसमें नीचे जाके फिर से डाउनलोड का लिंक, बैक जाके फिर से डाउनलोड के लिंक पर क्लिक करके इसको डाउनलोड कर लीजिए। क्योंकि मैंने इसको पहले से डाउनलोड कर रखा है इसलिए मुझे इसको डाउनलोड नहीं करना है, मैं इसी को यूज कर रहा हूँ। अब मैं आपको स्क्रीन रिकॉर्डर खोल के बता दूँ कि आप इसका रिकॉर्ड यूज कैसे कर सकते हैं। तो उसके लिए ये देखिए, ये इसका आइकन है, ये मैंने इंस्टॉल करके रखा हुआ है। आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये देखिए, ये स्क्रीन रिकॉर्ड हो रही है जो कि मैं अभी आपको वीडियो में दिखा रहा हूँ। तो आप इसको सीधे इंस्टॉल करेंगे जैसे बाकी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं, वैसे ही सिंपल तरीके से इसको इंस्टॉल किया जा सकता है। और जब ये देखिए डाउनलोड होने के बाद आपको कैसे दिखेगा, आप इसका जो सॉफ्टवेयर का लेआउट देखिए, ये यहाँ डाउनलोड हो रहा है। तो मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ क्योंकि आप देख सकते हैं ये अपने आप डाउनलोडिंग शुरू हो जाता है। जैसे ही आप उस पर क्लिक करते हैं थोड़ा टाइम लेगा, लेकिन ये अपने आप शुरू हो जाएगा। तो इसको मैं कैंसिल कर देता हूँ क्योंकि मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। तो मैं इस पर क्लिक करके इसको कैंसिल कर देता हूँ। देखिए, ये 56 MB का सॉफ्टवेयर है, तो ये मैं कैंसिल कर देता हूँ क्योंकि मैं पहले से डाउनलोड करके रखा हुआ हूँ। तो मैं आपको दिखा दूँ कि ये मेरा सॉफ्टवेयर जो है इसका लेआउट कैसा रहेगा। तो ये मेरे डाउनलोड्स में पड़ा हुआ होगा। ये देखिए, ये इसका सॉफ्टवेयर है। ये सॉफ्टवेयर आप इस पर डबल क्लिक करके इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। इस पर डबल क्लिक करेंगे तो ये इंस्टॉल हो जाएगा। और उसके बाद आपको करना क्या है, आपके सामने ये जो आइकॉन है ये नीचे आपके बन के आ जाएंगे। ये स्क्रीनशॉट लेने के लिए है, आप इसके थ्रू स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसके थ्रू आप वीडियो को रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ये वाला आइकॉन पे डबल क्लिक करेंगे, अगर आप वीडियो रिकॉर्ड करना चाहते हैं तो इस वाले आइकॉन पे। ये देखिए, ये इंस्टॉल होने के लिए मांगेगा, आप इस पर ऐस करिएगा, उसके बाद नेक्स्ट 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 और आपका स्क्रीन रिकॉर्डर इंस्टॉल हो जाएगा। फिलहाल मैं स्क्रीन रिकॉर्डर पहले से इंस्टॉल कर रखा हूँ तो इसको मैं नो कर देता हूँ। और ये आपका स्क्रीन
रिकॉर्ड हो जाएगी। उसके बाद जब आप इसको सेव करेंगे तो ये सेटिंग्स में इसका फोल्डर का लोकेशन दी होती है, वहाँ पे जाके ये आपका सेव हो जाता है। जनरली ये डॉक्यूमेंट में जाके सेव होता है, डॉक्यूमेंट में स्क्रीन रिकॉर्डर के नाम से एक फोल्डर बन जाता है, उसमें जाके ये रिकॉर्ड हो जाता है। तो अब इसको देखते कैसे, इससे रिकॉर्ड कैसे करते हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। इसको इसके फीचर्स को जानने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ इसको हम कैसे इससे रिकॉर्ड करते हैं। अब मैं आपको बताऊंगा कि आप इसका यूज कैसे कर सकते हैं। देखिए ये जो आइकन बना है, आप इस पे स्क्रीन रिकॉर्डर वाले आइकन पर 2 बार क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये विंडो खुल के आएगी। ये आप देख रहे हैं, ये विंडो खुल के आएगी। आप इसको यहाँ से कैंसिल भी कर सकते हैं, आप यहाँ से इसकी सेटिंग देख सकते हैं। देखिए आपको अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो आप इस पर क्लिक करेंगे और साइज डिक्लेयर करेंगे कितना आपको साइज का स्क्रीनशॉट लेना है। अगर आपको वीडियो कैप्चर करना है तो ये देखिए इस पर क्लिक करेंगे कस्टम साइज पे, तो ये देखिए इस पर हम जहाँ जितना स्क्रीन सेलेक्ट कर लेंगे, ये देखिए इतनी स्क्रीन सेलेक्ट कर ली, इतना स्क्रीन रिकॉर्ड होगी। हम चाहें तो इसको बढ़ा सकते हैं यहाँ से क्लिक करके, और इसको कितना भी बड़ा कर सकते हैं। हम चाहें तो यहाँ से इसको, ये देखिए ये कस्टम पे क्लिक करेंगे तो ये हमारा मेनू खुल के आएगा। हम अगर फुल स्क्रीन पे चाहते हैं फुल स्क्रीन पे कर सकते हैं। हम अगर स्क्रीन को कम करना चाहते हैं तो ये देखिए जितना हम रेजुलेशन दे देंगे उतना ये स्क्रीन छोटी होके आ जाएगी। अब ये इतना रिकॉर्ड होगा। उसके बाद करना क्या है, उसके बाद आपको जाना है इस बटन पे, आपको इस बटन पे जाना है और इसको बस क्लिक करना है, और ये देखिए ये काउंटिंग शुरू हो जाएगी और ये आपका वीडियो रिकॉर्ड होना शुरू हो गया। ये देखिए आपके यहाँ पे टाइमिंग शुरू हो गई, अब आपका वीडियो रिकॉर्ड होना शुरू हो गया है। तो ऐसे आप इसके थ्रू अपनी स्क्रीन को रिकॉर्ड कर सकते हैं। ऐसे ही नॉलेजपूर्ण और मज़ेदार वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। मैं ऐसे वीडियो बना बना के अपलोड करता रहता हूँ, तो देखते रहिए और सीखते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।